शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एंड एन प्लस सिक्सटीन इज डिजल बाई फाइव वेर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर तो पहले तो सपोज करो कि एन हम लोग ले लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसके बाद हम लोग लेते हैं कौन से नंबर्स एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एन एन प्लस सिक्सटीन तो हमें बस यही दिखाना है कि अगर हम लोग इन सबको फाइव से डिवाइड करने की ट्राई करते हैं तो इन सब में से सिर्फ एक एक ही फाइव से डिवाइड होगा अभी को कैसे वेन विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तब हमें पूरा क्वेश्चन समझ आएगा वैसे तो देख के ये क्वेश्चन हम लोग को टोटली समझ नहीं आ सकता फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड एज विल स्टार्ट है पूरा क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड तो 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 पहले तो क्या दिया बाय से डिवाइड डिवाइड तो पे अगर इसी को A BQ r की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ इफ आई ट्राई टू राइट इन दिस इक्वेशन यानी प्लस r, यानी तो यहाँ पे किसको डिवाइड करना है किसको ओके ऑब्वियसली डिवाइड कर डिवाइड करें इन सब टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको डिवाइड करें एन को किस से फाइव से यानी बी की वैल्यू फाइव क्वेश्चन हमें पता नहीं क्योंकि एन की वैल्यू खुद ही नहीं पता रिमाइंडर भी नहीं पता वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर लेकिन ये बात तो फिक्स है कि रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से फाइव तक में ही घूमती रहेगी उससे आगे नहीं जा सकती उससे पीछे नहीं जा सकती ओके इट विल बी जस्ट लाइक इन मोशन जीरो से फाइव तक की मोशन में ही रहेगा ओके okay, इस इसके आगे उसने दुनिया देखी ही नहीं है तो कैसे पता चला अगेन ऐसे पता चला दिस इज द रूल कि जीरो इज लेसर देन

फिर फाइव क्यू प्लस थ्री फिर फाइव क्यू प्लस फोर उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं क्योंकि उसके बाद तो जस्ट फाइव क्यू प्लस फाइव हो सकता है ओके आफ्टर दैट एंड इफ यू ट्राई टू राइट इफ फाइव क्यू प्लस फाइव तो बी टोटली एरर ओके इट विल बी अ रॉन्ग बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड जीविजन लेमा ऐसा पॉसिबल नहीं है इन मैथमेटिक्स तो अगर वी आर गेटिंग दो सिक्स वैल्यूज एक्चुअली फाइव वैल्यूज ऑफ वॉट किसका है दैट्स फॉर एन अगर सपोज एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और इनकी फाइव वैल्यूज हमें मिल रही है तो वन बाई वन एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एंड एन प्लस सिक्सटीन को पहले इवेल्यूट करेंगे फॉर रिमेंडर वैल्यू फ्रॉम जीरो टू फोर और अगर इवेल्यूट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा उसमें से ओके फ्रॉम सपोज सेन टू फाइव क्यू रख रहे हैं और बाद में एन और एन प्लस फोर ये सारे टर्म्स इवेल्यूट कर रहे हैं तो एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एंड एन प्लसटीन इन सारे टर्म्स में से सिर्फ एक ही फाइव से डिविजिबल हो सकता है इन वन स्टेप अगर वन वैल्यू ऑफ आर रख रहे हैं तो पहले तो फॉर आर इक्वल्स टू वर्ट फॉर आर इक्वल टू जीरो करेंगे अगर एन इक्वल टू फाइव क्यू करते हैं इफ़ यू ट्राई टू राइट एनवल्स टू फाइव क्यू यानी फाइव से डिवाइड हो रहा है एंड रिमाइंडर तो जीरो होगा तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यहीं पर एन प्लस फोर की वैल्यू फाइव क्यू प्लस फोर होगी तो मेन सॉल्यूशन सिंस मेन सोल्यूशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन दिसंस वस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग अगर सच इज़ हैपनिंग तो एन प्लस एट की वैल्यू क्या होगी ओके एन की वैल्यू है तो एन प्लस एट की फाइव क्यू प्लस एट उसके बाद क्या है एन प्लस ट्वेल्व है तो एन प्लस ट्वेल्व ई करेंगे देन फाइव क्यू प्लस ट्वेल्व उसके बाद क्या बचाए लास्ट में बस बचें एन प्लस सिक्सटीन अगेन तो फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन ये वैल्यूज वैल्यूज मिल रही हैं वी आर गेटिंग अभी को इसमें से बस वेरीफाई करना है दिस इज फॉर वॉट दिस इज फॉर रिमाइंडर जीरो हम लोग लिख सकते हैं फॉर आर इक्वल्स टू जीरो आर दी फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ वॉट एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एन प्लस तो यहाँ से हम लोग को चेक करना है कौन कौन से फाइव से डिविजिबल हैं सपोज़ आई है तो पहले तो एन इसमें से फाइव से डिविजल है सपोज आई एम ड्राइंग टू डिड बाई फाइव यहाँ पर मैं करता हूँ फाइव क्यू डिडेड बाई फाइव फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएंगे क्वेश्चन मिलेगा क्यों क्वेश्चन सिंह ऑलरेडी हम लोगों ने एज्यूम ही किया था क्यों और हम लोग के स्टेप्स राइट जा रहे हैं इट इज़ आल्सो जस्ट अ प्रूफ तो हम लोग को मिल रहा है कि एन इक्वल्स टू फाइव क्यू यानी एन इज जस्ट डिविजिबल बाय फाइव तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते ऐसे दैट एन इज डिविजिबल बाई फाइव ये मिला एक उसके बाद एन प्लस फोर फाइव से डिविजिबल है सपोज आई एम राइटिंग एन प्लस फोर यानी फाइव क्यू प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव उसके बाद फाइव और फाइव तो कैंसिल हो सकते फाइव इसको कैंसिल कैंसिल करेगा हाउ विल फाइव ट्राई टू कैंसिल फोर हाँ पॉइंट में आंसर आ सकते हैं लेकिन हम लोग को पॉइंट्स में आंसर लाना ही नहीं है वी हैव टू ब्रिंग आंसर इन वोट इन अ ओके वी हैव टू ब्रिंग इन जस्ट नेचुरल नंबर हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो अगर हम लोग दे, दे, देखते हैं तो अगर पॉइंट नहीं लगाने पर हम लोग को आंसर चेक करना है तो तब तो एन प्लस फोर यानी फाइव क्यू प्लस फोर फाइव से डिविजिबल ही नहीं है विदाउट अप्लाइंग डेसिमल पॉइंट तब हम लोग लिख सकते कि वॉट एन प्लस फोर इज नॉट अगेन इसको फाइव से डिवाइड करेंगे अगेन कर पॉइंट में आंसर आएगा सिर्फ पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा बट वी डोंट है नॉट डिविजिबल बाई फाइव इसमें भी उसके बाद एन प्लस ट्वेल्व है फाइव क्यों बाई प्लस ट्वेल्व अगेन डिवाइडेड बाई फाइव फाइव और फाइव अगेन कैंसिल सारे में फाइव और फाइव तो कैंसिल होंगे लेकिन यहाँ पर ट्वेल्व है दैट कांट भी कैंसल्ड तो ये भी हम लोग देख सकते हैं फाइव कांट डिवाइड एन प्लस ट्वेल्व उसके बाद फाइनली एन प्लस सिक्सटी इसको भी ट्राई कर लेते हैं तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सिक्सटीन अगेन बच्चा रहे हैं, तो अगेन हम लोग देख सकते हैं कि फाइव कांट डिवाइड एन प्लस सिक्सटीन इतने आंसर्स हमें मिले आफ्टर डिवाइडिंग बाय फाइव तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने फाइव से डिविजिबल है कितने नंबर्स यहाँ पे फाइव से डिविजिबल है कितने टर्म्स तो पहले तो ये एक टर्म फाइव से डिविजिबल है

आर इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है दिस वाज फॉर आर इक्वल्स टू जीरो अगर रिमाइंडर जीरो पुट करते हैं तब तो ये आंसर मिलेगा बट सपोज वन पुट कर दें टू थ्री एंड फोर फोर के आगे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि बी खुद ही फाइव है तो एसेंस वी नो दैट बी एंड रिमाइंडर कांट बी इक्वल ओके तो ये अप्लाई करें तो यहां से बस इतनी वैल्यूज मिलेंगे तो अभी हम लोग को ये वेरीफाई करना है वी हैव टू वेरीफाई दूस ऑल थ्री ओके जस्ट फोर टर्म्स ऑल्सो अभी तो हम लोगों ने क्या किया प्लस जीरो में किया नाउ वी हैव टू वेरीफाई फॉर दोस्ट सिंस ऑलरेडी हमें पता है कि सेम आंसर विल कम कि एक ही ओनली वन ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय लेकिन सिंस क्वेश्चन में भी लिखा है कि प्रूफ यानी क्वेश्चन को भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता बस ओनली फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड वेल उसने बोला है कि प्रूफ तो पहले तो फाइव क्यू प्लस जीरो के लिए हो गया फॉर आर इक्वल्स टू जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट मी रब उसके बाद फॉर आर इक्वल्स टू वन हम लोग करेंगे ओके okay. So, already हमने for r equals to zero के लिए verify किया for r equals to zero, हमकी, हमें n की value क्या मिल मिल रही थी Since five से ही divide हो रहा रहा है है तो तो पता नहीं क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है सपोज मैंने कोई भी मल्टीपल ऑफ फाइव डिवाइड किया किस से फाइव से ओके सपोज ट्वेंटी फाइव से तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिल रहा है अब

ओके okay, तो एन प्लस वन ये तो ऑलरेडी पता है बस अब पता क्या करना है एन प्लस फोर करना है उसके बाद एन प्लस एट देन एन प्लस ट्वेल्व उसके बाद एन प्लस सिक्सटीन तो अगर एन प्लस फोर करता हूँ सो अकॉर्डिंग टू दिस ओके ऑलरेडी एंड क्या है फाइव क्यू प्लस वन है इसमें ऐड करता हूँ फोर तो सिंस फाइव क्यू प्लस फोर दिस तो ओके दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल क्योंकि फाइव क्यू प्लस फोर दट एवर आंसर विल बी गेटिंग जो भी इक्वेशन हमें मिलेगा इट इज़ जस्ट लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स अगेन इसमें हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्यों है यहाँ पे नहीं है बस देख क्या सकते हैं यहाँ पे वन है यहाँ पे फोर है बोथ वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट एंड जस्ट लाइक जस्ट लाइक मैनी साइंटिस्ट इफ

तो यहाँ पे n प्लस एट की वैल्यू क्या होगी अगेन फाइव क्यू में ही कुछ होगी दैट विल बी ऑब्बियसली एट प्लस वन ओके ओब्वियसली एट प्लस वन इज़ वॉट बिकॉज हियर इज़ वन नाइन तो फाइव क्यू प्लस नाइन दिस वी गेट उसके बाद n प्लस ट्वेल्व की वैल्यू अगेन तो ये हो जाएगी फाइव क्यू प्लस थर्टीन एनी वन कैन जस्ट टेल दिस फाइनली n प्लस सिक्सटीन की वैल्यू चाहिए n प्लस सिक्सटीन क्या होगा फाइव क्यू प्लस सेवेंटीन ईजली वैल्यूड कर सकते हैं तो इतनी वैल्यूज़ हमें मिली एक वैल्यू ये मिली एन एकवल टू फाइव क्यू प्लस वन ये हमने खुद निकाला यहाँ से उसके बाद सिंस एक्चुअली यहाँ से निकाला वी हैव अप्लाइड एक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यानीस डिजन लेमा एन एक टू फाइव क्यू प्लस वन मिल गया तब ये सारी वैल्यूज भी इजली मिल गई बस क्या किया एन प्लस फोर कर दिया यानी फाइव क्यू प्लस वन प्लस फोर तब इतनी सारी वैल्यूज मिली अभी तो सपोज मैं बोलता हूँ इन सबको डिवाइड करते फाइव से क्या वैल्यूज मिल रही है सपोज आई एम राइटिंग इट हियर सिंपली एन इक्वल्स टू फाइव क्यू प्लस वन

नेचुरल नंबर में ही चाहिए डिवाइडेड जीरो पॉइंट टू होता है कोई बात नहीं इफ डिवाइडेड पॉइंट टू इज स्ट्रिक्टली नॉट अ नेचुरल नंबर लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में चाहिए यानी पॉजिटिव इंटीजर अ नेचुरल नंबर कैन बी ऑल्सो इंटीजर तो हमें पॉजिटिव इंटीजर में चाहिए पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है तो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता अगर हम चाहें टू डिवाइड इट सपोज आई एम डिवाइडिंग दिस दिस तो इज जस्ट नॉट पॉसिबल ओके टू ब्रिंग द आंसर इन पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग लिखते हैं क्या दैट फाइव डज नॉट डिवाइड टू एन या फिर एन इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव उसके बाद नेक्स्ट हम लोग हम लोग सॉल्व करेंगे एन प्लस फोर ओके एन प्लस फोर को डिवाइड करना है किससे फाइव से अगेन यहाँ पे डिज

तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे that N is divisible by 5. उसके अगला कर कर सकते हैं. N is what? 5, Q कर सकते हैं हैं अगेन अगेन डिवाइड कैंसिल होंगे 9 divided by 5, क्या आएगा आएगा पॉइंट में तो अगेन लिख सकते हैं कि फाइव कांट कैंसिल आउट द्लस एट यानी से डिविजिबल नहीं है उसके बाद क्या था एन प्लस ट्वेल्थ है यानी फाइव क्यू बाई थर्टीन डिवाइड करो फाइव से फाइव और कैं फाइव कैंसिल हो जाएंगे अगेन पॉइंट में आएगा हीयर्स थर्टीन तो ये भी नहीं हो सकता ओके okay? तो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट तो फाइव कांट डिवाइड वॉट कांट डिवाइड एन प्लस

अगर हम लोग चेक करना है कि कितने टर्मस डिबल है फाइव से तो यहां पर फर्स्ट क्या है फाइव कांट डिवाइड नॉट डिजिबल बाई फाइव ओके दिस इज नॉट पॉसिबल सेकेंड हम लोग देखते हैं ओके सेकेंड इज पॉसिबल यानी एन प्लस फोर एन प्लस फोर क्या था फाइव क्यू प्लस फाइव तो फाइव क्यू प्लस फाइव तो फाइव से डिविजिबल हो रहा है एक ये टर्म मिला ये भी नहीं है ये भी नहीं है एंड दिस इज टू नॉट यहां पे कितने टर्म्स मिले एक टर्म मिला क्वेश्चन में क्या था शो दैट ओनली वन एंड ओनली वन आउट ऑफ टर्म्स इज डिविजिबल यही था क्वेश्चन में बस करना क्या था यही हम लोग को प्रूव करना था एंड आफ्टर दैट बस वी आर गेटिंग कि ये टर्म्स नहीं डिविजिबल हैं बस टर्म मीन एन प्लस फोर इज जस्ट डिविजिबल बाई फायर तो ईजली फॉर क्यूल फॉर आर इक्वल टू वर इक्वल्स टू वन हम लोगों ने प्रूव कर लिया ओनली वन एंड वन आउट ऑफ एन एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व एन प्लस सिक्सटी इनमें से सिर्फ वन ही टर्म टू फाइव से डिविजिबल हो सकता है एंड नाउ विल बी मूविंग टू आर इक्वल्स टू टू सो ऑलरेडी वी हैव डन फॉर आर इक्वल्स टू जीरो एंड वन अब बस क्या करना है आर इक्वल्स टू टू के लिए करना है देन थ्री और देन फोर उसके बाद फाइनली हमारा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट कंप्लीट हो जाएगा तो पहले तो आर इक्वल्स टू टू रखते हैं तो एन की वैल्यू क्या मिल रही है तो हम लोग इवन वी कैन जस्ट राइट फॉर आर इक्वल्स टू टू एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू हम लोग लिखते हैं वी राइट इट एज फाइव क्यू प्लस टू क्योंकि b की वैल्यू तो फाइव है q की वैल्यू पता नहीं इट इज जस्ट अ वेरिएबल क्वांटिटी कहीं से कहीं तक वैरी हो सकती है जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कभी कभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं सम टाइम वी डू दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे ओके सपोज फ्रॉम टू टू फोर और सम टाइम सिर्फ दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन वी जस्ट ट्राई बिकॉज यहाँ पे तो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन टू से फोर तक ही करना है बट हियर इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कहां से कहां तक वैल्यू वैरी हो सकती है ये हमें नहीं पता सो यू यू वैल्यू इज ऑल्सो नॉट गिवन टू अस तो बस क्या करना है वी हैव टू पुट क्यू एस क्यू इट सेल्फ सपोज एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी होती है इन एनी काइंड ऑफ एलजेब्रिक्स एक्सप्रेशन इन एनी पॉलिनोम तो क्या हम लोग एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं नो no, हम लोग एक्स की वैल्यू एक्स में ही रख देते हैं तो वैसे यहाँ भी करना है तो एन क्या मिल गया फाइव क्यू प्लस टू अभी को अगर फाइव क्यू प्लस टू करते हैं एन इफ एन वैल्यू इज दिस तो एन प्लस फोर यहाँ पर इवेल्यूट करेंगे तो हो जाएगा फाइव क्यू प्लस टू प्लस प्लस में वॉट प्लस फोर अब देखो कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट वेरी मच दे तो एन प्लस फोर तो फाइव क्यू प्लस सिक्स हो गया इसके अकॉर्डिंग आगे जाए तो एन प्लस एट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस टेन अगेन एन प्लस ट्वेल्व सोल्व करना है तो एन प्लस ट्वेल्व हो जाएगा फाइव क्यू प्लस फोर्टीन फाइव क्यू प्लस हो जाएगा उसके बाद बस क्या करना है एन प्लस करना है तो एन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा फाइव क्यू प्लस में वॉट फाइव क्यू प्लस में सिक्सटीन प्लस टू मीन्स एटीन ये वैल्यूज मिल रही हैं, जितने भी टर्म्स हमें दिए गए थे मीन्स एन एन प्लस फोर एन प्लस एट

फाइव और फाइव मैं कैंसिल करता हूँ वेल डिवाइडिंग लेकिन टू डिवाइडेड बाई फाइव नहीं कर सकता दैट इज़ जस्ट नॉट अ पॉजिटिव इंटीज़र टू डिवाइडेड बाई फाइव पॉजिटिव इंटीज़र नहीं है आंसर तो जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा लेकिन जीरो पॉइंट फोर पॉजिटिव तो है लेकिन एक्चुअली इंटीज़र नहीं है और बोथ वैल्यूज इज इट इसको सेटिसफाइड करना है क्योंकि जीरो पॉइंट फोर अगर मैं लिखता हूँ तो ये तो पॉजिटिव है एक वैल्यू सेटिस्फाई ओके एक कंडीशन सेटिस्फाई लेकिन इंटीजर नहीं है दूसरी कंडीशन जीरो पॉइंट फोर इज़ नॉट सेटिसफाई दैट्स वाई इट इज जस्ट नॉट अ पॉजिटिव इंटीज तो क्या लिखूंगा यहाँ पे पहले तो एन क्या है ओके okay, एन फ आई ट्राई टू राइट इट टू एन इज़ नॉट डिजिबल टू आई फाइव एंड फाइव से डिवाइड नहीं हो सकता इन दिस केस फॉर आरस टू जीरो एंड वन इसमें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था ओके दैट इट वॉज फॉर स्पेशली जीरो में तो डिवाइड हो जा रहा था वन में नहीं हुआ 4, में तो हियर वी कैन सी फॉर आर इक्वल्स टू टू ऑल्सो इट इज़ नॉट डिविजिबल नेक्स्ट ट्राई करेंगे एन प्लस फोर अगेन मैं चाहूँ तो डिवाइड कर सकता हूँ फाइव और फाइव कैंसिल होंगे सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव अगेन सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव क्या होता है अगेन इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेट करेंट टू इज पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग अगेन देख सकते हैं आंसर किस में आ रहा है डेसिमल में आ रहा है तो एन प्लस भी क्या है फाइव से नॉट डिविजिबल है एन प्लस फोर इज नॉट हैं। एन प्लस एट है अगेन डिवाइडेड बाई फाइव करता हूं फाइव और फाइव कैंसिल टेन और फाइव कैंसिल कितने टाइम्स में टू टाइम्स में ये तो वन वन टाइम में हो गया तो वन इन टू क्यों क्या होता है क्यू क्यू प्लस टू तो q प्लस टू तो q प्लस टू ही रहेगा ओके वी डू नोट नो द वैल्यू ऑफ q इसीलिए इसको और सॉल्व कर ही नहीं सकते q प्लस टू डिवाइडेड बाई वन ऑब्वियसली q प्लस टू ही होता है आंसर मिल रहा है डेसिमल में नहीं मिल रहा है पॉजिटिव है इंटीजर भी है तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि n प्लस एट तो फाइव से टोटली totally डिविजिबल है तो यहाँ से लिखेंगे इट n प्लस एट इज डिविजिबल बाई फाइव वाइल एन प्लस ट्वेल्व यानी नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो फाइव और फाइव अगेन कैंसिल होंगे लेकिन फोर्टीन डिवाइडेड बाई फाइव नहीं कैंसिल हो सकते तो अगेन हम लोग लिखते हैं कि एन प्लस ट्वेल्व फाइव से नहीं डिविजिबल है इतना मिल गया बस ओनली वी आर लेफ्ट विथ द लास्ट सेंस इट इज सेट विलन कम्स इन लास्ट ओके तो ट्राई करते हैं लेट एस ट्राई दट एक्चुअली एन प्लस इज डिविजिबल बाई फाइव और नॉट एन प्लसटीन की वैल्यू क्या है दैट इज ऑब्वियसली एन प्लसटीन ऑलरेडी कर चुके हैं फाइव क्यू प्लस एटीन तो डिवाइडेड बाई फाइव कर देंगे देन फाइव एंड फाइव कैंसिल अगेन एटीन डिवाइडेड बाई फाइव नहीं कैंसिल हो पा रहे हैं पॉइंट में आंसर आएगा क्या एटीन डिवाइडेड बाई फाइव अगेन कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो थ्री टाइम्स में जाएगा क्या बचेगा थ्री अगेन बचेगा पॉइंट लगाएंगे उसके बाद क्या करेंगे थ्री पॉइंट सिक्स आंसर आ रहे हैं लेकिन दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर अगेन पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है तो पॉजिटिव इंटीजर ओके इट कांट बी पॉसिबल जस्ट फॉर थ्री पॉइंट सिक्स ओके तो अगेन यहां से कंक्लूजन मिल रहा है कि फाइव कांट डिवाइड एन 16, यानी एन प्लस फाइव से डिविजिबल नहीं है कितने कंक्लूजन मिले इतने सारे मिले यहाँ पे देखो कि कौन सा फाइव से डिविजिबल है ये नहीं है दिस इज नॉट ये है वी कैन जस्ट मार्क दिस पॉइंट इजली इसके बाद ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं कितने टर्म फाइव से डिविजिबल है एक क्वेश्चन में क्या था शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ डिविजिबल बाय फाइव कितने दिखाने थे कि एक ही डिविजिबल बाय फाइव है वन इज ओनली डिविजिबल बाय फाइव यहाँ पे कितने मिले डिविजिबल बाय फाइव एक ही मिले यानी एन एकवल टू फाइव क्यू प्लस टू करते हैं तो क्या आंसर मिल रहा है कि इन सब टर्म्स में से कितने फाइव से डिविजिबल हैं सिर्फ एक ही फाइव से डिविजिबल है तो ऑलरेडी हम लोगों ने कितनी आर की वैल्यूज पुट की जीरो वन एंड टू थ्री वैल्यूज ऑफ आर पुट कर दो वैल्यूज और बचिए यानी एन की भी जस्ट दो वैल्यूज और बचिए तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं सो मच बी सोल्व नाउ लेट सोल्व दी कितने equations solve N equals to कर लिया फाइव क्यू प्लस वन कर लिया नाउ फाइव क्यू प्लस टू भी कर लिया कितने बचे 5q फाइव क्यू प्लस थ्री एंड फाइव क्यू प्लस फोर बस यही सॉल्व कर, करना है तो पहले तो फाइव क्यू प्लस थ्री के लिए सॉल्व करेंगे अगेन वी कैन राइट आर इक्वल्स टू थ्री करेंगे तो तभी तो ये इक्वेशन मिलेगी आर इक्वल्स टू फोर कर देते सपोज टू वन जीरो कर देते तब तो दूसरी इक्वेशन मिलती तो अगर थ्री कर रहे हैं तो ये वैल्यूज मिल रही हैं तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी फाइव क्यू प्लस थ्री मिल रही है तो एन की ये वैल्यू मिल गई अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द लेमा दूक्सू प्लसिंग टू दैट इक्वेशन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विच इक्वेशन वी कैन गेट वी कैन ईजली गेट द एन प्लस फोर एन प्लस फोर क्या होगा इस बार एन प्लस फोर अगेन फाइव क्यू प्लस थ्री इसके बाद में प्लस फोर होगा ऑलरेडी आई हैव हैोल्ड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन तो ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस वोट प्लस थ्री प्लस फोर फाइव क्यू प्लस सेवन इसके अकॉर्डिंग जाए एन प्लस एट मिल सकता है एन प्लस एट इज वॉट फाइव क्यू प्लस वोट फाइव क्यू प्लस एट प्लस थ्री

ज रियली वेरी हेल्पफुल इवन वाल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स तो अगर इसके अकॉर्डिंग जाए ये वैल्यूज मिल रही हैं ये वैल्यूज मिली कितने फाइव से डिविजिबल अगेन कितने फाइव से डिविजिबल है अगेन एन बाई फाइव करता हूं तो फाइव क्यू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फाइव अगेन फाइव एंड फाइव कैंसिल थ्री डिवाइडेड बाई फाइव क्या होगा दैट विल बी जस्ट इन पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स जस्ट आएगा लेकिन दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर अगेन पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू हम लोग नहीं पुट कर सकते उसके बाद फाइव क्यू प्लस सेवन अगेन डिवाइड कर रहा हूँ किससे से फाइव से फाइव और फाइव कैंसिल तो अगर फाइव और फाइव कैंसिल कर रहा हूँ तो सेवन डिवाइडेड बाई फाइव कितना आंसर आएगा ऑब्वियसली इट विल बी जस्ट वन पॉइंट फोर ओके समथिंग वन पॉइंट फोर आंसर आएगा लेकिन दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव बट नॉट इंटीज़र तो पॉजिटिव एंटीज़र की होने की बात ही नहीं कर सकते वी जस्ट कांट कॉल इट पॉजिटिव एंटीजर अगेन नेक्स्ट में मूव करें यानी एन प्लस एट को फाइव से डिवाइड करें तो आएगा फाइव क्यू प्लस इलेवन इसको डिवाइड करेंगे तो फाइव और फाइव कैंसिल इलेवन डिवाइडेड बाई फाइव क्या होता है इलेवन डिवाइडेड बाई फाइव जस्ट टू पॉइंट टू होता है लेकिन अगेन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये भी डिविजल नहीं है लास्ट डिवाइड करेंगे ओके जस्ट नॉट लास्ट सेकेंड लास्ट तो इसको डिवाइड करेंगे फाइव और फाइव कैंसिल फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव यहाँ पे कंसेंट्रेट कर सकते हैं फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव क्या होता है दैट इज जस्ट थ्री क्योंकि फाइव थ्री जो फिफ्टीन ये मिल रहा है ओके दिस वी आर गेटिंग ये तो सोल्व हो गया जस्ट वन और वन टाइम में सोल्व हुआ वन क्यू मीन्स वन क्यू मींस ऑब्बियसली क्यू क्यू प्लस थ्री और सोल्व नहीं कर सकती क्योंकि वैल्यू जस्ट वेरिएबल है तो क्यू प्लस थ्री ही इसे लेट करेंगे क्यू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई वन ऑब्वियसली क्यू प्लस थ्री ये सोल्व हो जा रहा है नेक्स्ट पे अगर सोल्व करने की कोशिश करें डू नॉट एक्सपेक्ट ओके हमें एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है फॉर दिस टू बी ऑल्सो सोल्व क्योंकि हो ही नहीं सकता

फाइव कांट डिवाइड एन प्लस फोर फिर क्या होगा फाइव कांट डिवाइड एन प्लस ट्वेल्व एक्चुअली एन प्लस एट उसके बाद Can divide N plus 12, obviously. N plus 12 को तो तो पे हम हम लोगों ने किया instantly कर दिया में ये लोग लिख सकते हैं उसके बाद लास्ट से कोई एक्सपेक्टेशन बची ही नहीं थी देयर वॉज नो एक्सपेक्टेशन दिस इज नॉट डिविजिबल तो फाइव कांट डिवाइड वाइव कांट डिवाइड जस्ट ओके दिस वी आर गेटिंग इतना वैल्यूज मिली इतनी वैल्यूज मिली इतने कंक्लूजन मिले यहाँ पे अगर वेरीफाई करने की कोशिश करें कितने फाइव से डिविजिबल है फर्स्ट इज नॉट सेकेंड नॉट थर्ड नॉट

फर्स्ट नॉट सेकेंड नॉट थर्ड नॉट फोर्थ इज यस एंड फिफ्थ नॉट अगेन एक बचा क्वेश्चन में वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दो टर्म्स इज डिविजिबल दोबल कितने डिविजिबल बाई फाइव है एक ही टर्म फाइव से डिविजिबल है यानी अगेन अगर हम लोग फाइव क्यू प्लस थ्री करते हैं तो ईजली वी कैन गेट कि अगर आर इक्वल्स टू थ्री पुट करते हैं यानी एन इक्वल्स टू फाइव क्यू प्लस थ्री पुट करते हैं तो इन सारे टर्म्स में से सिर्फ एन प्लस ट्वेल्व ही डिविजिबल होता है किस से फाइव से तेन एन प्लस ट्वेल्व इज द करेक्ट आंसर जनरली आंसर तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि हमें बस प्रूव करना है तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज फॉर आर इक्वल्स टू फोर क्या मिलेगा एन की वैल्यू जो भी मिलेगी बाद में एन प्लस फोर एन प्लस एट एन प्लस ट्वेल्व और एन प्लस करेंगे बाद में सबको फाइव से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वी कैन जस्ट राइट इट ऑन आवर नोट बुक तो सिंस इट इज फाइव क्यू प्लस फोर इट इज जस्ट लुकिंग लिटिल एडवास देन अवर अर्लियर टर्म्स जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पे तो फाइव क्यू प्लस थ्री है लेकिन यहाँ पे एक यूनिट जस्ट बढ़ दी गई टू इंक्रीज इट्स डेंजरसनेस सो इजली वी कैन दैट इट इज जस्ट लुकिंग मोर डेंजर इज वॉट फाइव क्यू प्लस फोर एन की वैल्यू क्या है फाइव क्यू प्लस फोर तो अगेन अगर लिखते हैं फोर आर इक्वल्स टू फोर तब एन की वैल्यू अगेन क्या है फाइव क्यू प्लस फोर और लास्ट टर्म फाइव क्यू प्लस फोर ये वैल्यू तो हमें एन की कहाँ से मिली एकवल्स टू बी क्यू प्लस आर अगेन मिली एकवल्स टू बी क्यू प्लस आर यहाँ से मिली फ्रॉम दिस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एन दैट इज़ फाइव क्यू प्लस फोर अभी तो इस वैल्यू से इट इज़ जस्ट लिटिल मोर बिट इंटेलिजेंट ओके इट इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ अ लॉट इसलिए ये बोलते हैं वेरी इंटेलिजेंट आई कैन हेल्प माई सेल्फ एंड आई कैन हेल्प दोज ऑल टर्म्स ऑल्सो सो इट इज जस्ट ट्राइंग इन दैट इट इज़ वर्किंग हार्ड तो एन प्लस फोर बाद में ये यही इवेल्यूट कर देते हैं तो एन प्लस फोर अगेन क्या होगा फाइव क्यू प्लस फोर प्लस में क्या होगा प्लस में अगेन फोर होगा तो अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं तो फाइव क्यू प्लस में क्या होगा प्लस में एट होगा एन प्लस फोर इज़ फाइव क्यू प्लस एट यहाँ से एन प्लस एट की वैल्यू मिल सकती है एन प्लस एट इज वॉट एन प्लस एट इज फाइव क्यू प्लस ट्वेल्व ये वैल्यू मिली उसके बाद एन प्लस ट्वेल्व करते हैं तो एन प्लस ट्वेल्व क्या होगा फाइव क्यू प्लस में वॉट फाइव क्यू प्लस में ट्वेल्व प्लस फोर मीन्स फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन ये वैल्यू मिली अभी को बस लास्ट में सॉल्व करना है क्या लास्ट में करना है एन प्लस सिक्सटीन दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन एन प्लस विल बी सिंस दिस इज कॉन्स्टेंट सारे टर्म में ये आता जा रहा है इसलिए ये तो फाइव से डिविजिबल होगा लेकिन बाकी के टर्म्स का तो नहीं पता कि रियली इट इज डिविजिबल बाई फाइव और नॉट तो फाइव क्यू प्लस में क्या होगा ए सिक्सटीन है इधर N की वैल्यू फोर है सिक्सटीन फोर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ये वैल्यूज मिल रही है अभी तो बस डिवाइड करना है किससे फाइव से क्योंकि ऑलरेडी डिविजिबल बाई फाइव प्रूव करना है से डिविजिबल है कि नहीं तो अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ एन इक्वल टू फाइव क्यूब ओके 4 प्लस तो अगेन एन बाई फाइव क्या होगा फाइव क्यूब प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव फाइव और फाइव कैंसिल फोर डिड बाई फाइव जीरो पॉइंट एट अगेन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है फर्स्ट यहाँ से मिल रहा है कि फाइव कांट डिवाइड व्हाट फाइव कांट डिवाइड एन फोर आर इक्वल्स टू फोर नेक्स्ट पे जाते हैं इस पे यानी एन प्लस फोर फाइव क्यू प्लस एट फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगेन फाइव से डिवाइड डिवाइडेड बाई फाइव कितना होगा समथिंग होगा लेकिन अगेन देख सकते हैं इज़ नॉट पॉजिटिव यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइव कांट डिवाइड एन प्लस फोर इतना मिला इसके बाद एन प्लस एट को अगर डिवाइड करना है क्योंकि सारे टर्म्स में फाइव तो है ही तो फाइव तो कैंसिल हो जाएगा बस क्या करना है 12 डिवाइडेड बाय 5 करना है 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है दैट इज जस्ट 2.4 तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 2.4 इज अगेन नॉट पॉजिटिव इंटीजर तो सिंस इट इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर तो क्यों तो एन तो एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां से देख सकते हैं दैट n plus 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 ये भी नहीं डिविजिबल है तो अगर नेक्स्ट पे मूव करते हैं यानी एन प्लस ट्वेल्व और सेकेंड लास्ट तो टू वेरीफाई हाउ डेंजरस एक्चुअली दिस इज़ तो अगर इसको वेरीफाई करना है अगेन फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव और फाइव कैंसिल कर देंगे लेकिन सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फाइव क्या होगा थ्री पॉइंट टू होगा लेकिन एक्चुअली थ्री पॉइंट टू भी पॉजिटिव एंटीजन नहीं है तो इवन दिस कान डिफीट द मेन हीरो ऑफ दिस मूवी दैट इज़ फाइव तो अगर हम लोग देखते हैं एंड दिस इज दिस इजली वी कैन राइट दिस यू कैन इवन राइट और इफ़ यू वॉन्ट एट द प्लेस ऑफ फाइव क्यू प्लस सिक्सटी इवन यू कैन राइट वॉट क्योंकि वैल्यूज तो सेम रहेंगी यू कैन ऑल्सो राइट एंड प्लस ट्वेल्व So n plus 12 is not divisible by what? Is not divisible by 5. Last. Since already I have recited that always villain comes in last, in last scene of the movie. So again, this is the main villain. This is the main villain of the entire question. Since 1 by 1, 1 by 1, 4 r equals to 0, 1, 2, 3, 4. Then the local villains were coming. Just like when we play a game. So in each level there is a special kind of villain. But when the game is going to end, then there it is a very special kind of villain and in this game what is that villain obviously that is what for 5q plus 4 that will be what obviously that will be n plus 16 ab isko verify karna hai that how dangerous this is agar n plus 16 ko divide karte hain 5 se again divided by 5 let us see that this villain can defeat our hero miss 5 again 5 and 5 cancel okay क्या कंक्लूजन मिल रहा है फाइव क्यू प्लस फोर ये टाइम में ये अगेन क्या मिल रहा है ओके वन इंटू क्यू एक्चुअली वन इंटू क्यू इज क्यूर सेल्फ Q प्लस फोर डिवाइडेड बाई वन Q प्लस फोर यहाँ पे क्या हो रहा है किसकी जीत हो रही है जस्ट विलन की आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट गेम और द फर्स्ट मूवी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट

दैट इज जस्ट फाइव तो यहां से क्या मिल रहा है दैट एन प्लस सिक्सटीन इज डिविजिबल बाई फाइव यह मिल रहा है यानी क्या था क्वेश्चन में एक प्रूव करना था वन विलन डिफ़ीट फाइव यानी इन सारे टर्म्स में से सिर्फ तो, थाड मोर देन फोर क्योंकि उसके बाद तो हो जाएगा फाइव क्यू प्लस फाइव विच इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू वट अगेन एक बी क्यू प्लस आर यानी

book For class 10, okay, mathematics and exercise. What exercise just 1.2 from the chapter was real numbers. So, mainly, this was my today's topic based over a question of real numbers. So, thank you, Jai Hind, Jai Bharat.